Hello guys, welcome to online web tutor presented by prefer-dist solutions team. I am Sanjay. We are learning Laravel tutorial version 5.4, okay, and this is part 6 of this video session series, in which we are going to discuss about how can we add our assets file like CSS and JavaScript files to our layout files. ओके तो प्रीवियस वीडियो सेशन में गाइस जो कि हमने डिस्कशन करी थी वो ये था कि हम अपने फर्स्ट कंट्रोलर फर्स्ट राउट फर्स्ट व्यू एज वेल एज हमने ये देखा था कि हम एक मास्टर लेआउट कैसे बनाएं. ओके तो हम इस वीडियो सेशन में ये देखेंगे कि उस मास्टर लेआउट जो कि हमने बनाए थे उसमें हम अपने सी एस एस फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल्स को कैसे अटैच करें. और गाइस मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप अगर बिगनर इस वीडियो सेशन में हैं तो आप हमारे पार्ट वन से कंटिन्यू करो ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल पाए. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये रही वो गाइस जो कि सेटअप हमने करी थी अपने सिस्टम में. और सबसे पहले मैं इसके रिसोर्सेज फोल्डर में जाकर इसके लेआउट फाइल को खोलूँगा जो हमने लास्ट वीडियो सेशन में बनाई थी. और ये रही वो फाइल. ओके जिसमें क्लिक करूँगा तो ये है वो लेआउट फाइल जो कि हमने बनाई थी. ओके इसे रन करते हैं. चलिए अपना हम लोकल डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर लें. पीएचपी आर्टिशन सर्वर. तो ये हमारे लोकल डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट कर दिया हुआ 8000 पोर्ट पे. ओके तो बस हमें यहाँ पर जाके लोकल होस्ट एंड 8000 पोर्ट और ये एप्लीकेशन चल पड़ी है हमारी. और आपको जो याद होगा इस पिछले वीडियो सेशन में जो हमने तीन राउट्स डिफाइन किए थे वो हमारे प्रोडक्ट्स थे. ओके एक हमारी सर्विसेज थी और एक हमारी टीम्स थी. इस तरीके से हमने अपने तीन राउट्स को बनाए थे प्रीवियस वीडियो सेशन में. ओके और वो जो राउट हमने बनाए थे वो थी हमारी v5.4 फाइल में. आपको याद हो तो ये रही वो राउट्स. ठीक है तो आज हम ये गाइस बात करने वाले हैं कि ये जो लेआउट फाइल है हमारी इसमें जो जैसे कि आप अगर देख सकते हो तो ये सीएसएस अभी इंटरनली हमने स्टाइल टैग के अंदर लिखा हुआ है. ठीक है ये सारे स्टाइल्स अगर हमें इसे अलग करना हो फाइल में तो कैसे करें और उस फाइल को हम अपने मास्टर फाइल के साथ कैसे लिंक क्रिएट करें. ओके सबसे पहले मैं पब्लिक फोल्डर के अंदर जाऊँगा. ओके सारे एसेट्स फाइल अगर हम अपने एप्लीकेशन में अगर यूज़ करते हैं लाइक सीएसएस फाइल जावास्क्रिप्ट फाइल्स तो हमें पब्लिक फोल्डर के अंदर सीएसएस फोल्डर के अंदर और जेएस फोल्डर के अंदर वो फाइल हमें बनानी होगी. ओके तो चलिए बनाते हैं. तो सीएसएस फाइल के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा लाइक मास्टर डॉट सीएसएस. ओके तो इसके अंदर मैं उन सारे सीएसएस को कट करके पेस्ट करूँगा जो कि हमने अपने लोकल फाइलों में यूज़ करी हुई है. ठीक है मैं यहाँ से इसे कट कर लूँगा. कट करने के बाद मैं इसे यहाँ पेस्ट कर दूँगा. ओके और मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ. तो अगर आप अपने फ्रंट एंड पे जाकर अगर इसे रिफ्रेश करोगे तो अब शायद वो स्टाइल नज़र नहीं आएगी. ओके क्योंकि हमने वो स्टाइल अगर मैं कंट्रोल यू करूँ तो वो सारे स्टाइल्स मैंने हटा दिए हुए. ठीक है तो वापस से इन्हें हम ऐड करते हैं. ऐड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा लिंक टैग. ओके और HREF. उसके पहले मैं रिलेशनशिप क्रिएट करूँगा जो रिलेशनशिप हमें बताएगी कि ये एक स्टाइल सीट फाइल है. स्टाइल सीट HREF और जो हम पाथ देंगे गाइस वो हमारे CSS फोल्डर के अंदर मीन्स जो हमारी फाइल है वो पब्लिक फोल्डर के अंदर CSS डायरेक्टरी के अंदर है. ठीक है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम इस पब्लिक को इस नेम के साथ पास करें. मीन्स हमें जो पास करना है वो सीएसएस फोल्डर के अंदर मास्टर डॉट सीएसएस. ओके तो जब भी हम एप्लीकेशन रन करेंगे तो ऑब्वियसली ये सीएसएस फोल्डर ये पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर से ही पिक करेगी. ओके मैं इसे सेव करता हूँ और वापस से रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को. अब देख सकते हो वही स्टाइल शीट इसने पिक किया हुआ है. ओके अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने एक टैग बनाया जिसमें कि मास्टर और सीएसएस फाइल का लिंक है. अगर मैं इसे क्लिक करके खोलूँ तो आप देख सकते हो वो सारे स्टाइल सीट्स यहीं पे है जो हमने डिफाइन की हुई है. ओके तो ये थी स्टाइल सीट को अटैच करने के तरीके. अब मैं बात करता हूँ गाइस कि हम जेएस फाइल्स को कैसे अटैच करें. तो चलिए एक जेएस फाइल बनाया जाए. तो जेएस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊँगा सपोज मास्टर डॉट जेएस. ओके
और इस जेएस के अंदर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग या उसके पहले मैं कर दूं अगर जे क्वेरी या सीधा ही मैं अगर कर दूं कंसोल डॉट लॉग दिस इज माय सिंपल मैसेज टू कंसोल ओके और मैं इसमें एक और कमेंट लाइन ऐड कर दूं जिससे कि ये पता लगे कि ये हमारे स्क्रिप्ट फाइल है दिस इज आवर कस्टम जेएस कोड ओके अब इसका लिंक क्रिएट करते हैं हम तो master.css फाइल में सॉरी master.blade.php फाइल में मैं लिंक क्रिएट करूंगा और वो लिंक होगी हमारे स्क्रिप्ट टैग के अंदर और src और वो जो फाइल है वो हमारी फाइल जेएस फोल्डर के अंदर है ओके पब्लिक फोल्डर के अंदर जेएस फोल्डर के अंदर तो मैं पाथ क्रिएट करूंगा जेएस master.js ओके अब मैं इसे सेव करूंगा वापस से जो मैं पेज में जा करके इससे पहले इंस्पेक्ट कर लूं मैं एक बार और कंसोल टैब में वो मैसेज आएगी जो हमने लिखा हुआ है अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो दिस इज माय सिंपल मैसेज टू कंसोल ओके इसका मतलब हमारी फाइल लिंक्ड हो चुकी है अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं तो ये रही हमारी जेएस फाइल जिसके अंदर हमने वो कोड लिखा हुआ है ओके तो ये तरीके हैं गाइस जिसके हेल्प से आप अपने सीएसएस फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल्स को अपने लेआउट फाइल के साथ अटैच कर सकते हो ठीक है तो जैसे कि मैं आपको बताया गाइस कि इसमें आपको कोई जरूरी नहीं कि आप पब्लिक पास करो इसके अंदर ऐसे पब्लिक ठीक है जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा अगर तो आप देख सकते हो सारे स्टाइल शीट्स अब गायब हो चुके हैं ठीक है क्योंकि आप देख सकते हो 404 not found means फाइल से नहीं मिली means जब हम PHP artisan serve means जब अपने development server से जब अपने हम application को run कर रहे हो development server create करके तो उस condition में guys हमें ये public देने की जरूरत नहीं है okay no need to give public in your application to attach your assets file अब वापस से मैं इसे refresh करूँगा तो ये चल पड़ी ओके लेकिन मैं आपको डिफरेंस बताता हूं गाइस कि जब आपने लोकल डेवलपमेंट सर्वर यूज नहीं की जैसे कि आपको याद हो हमने एक और सेटअप क्रिएट किया था और वो सेटअप ये है जहां पर हमने LBG के नाम से दिया था और इसे हमने लोकल होस्ट से रन की थी ठीक है तो इसके अंदर हम देखें कि अब हम CSS फाइल और JS फाइल को अटैच कैसे करें ये तो वो एप्लीकेशन थी जहां हमने PHP artisan सर्व करके मींस लोकल डेवलपमेंट सर्व करके हमने एक सर्वर क्रिएट किया और उसके अंदर हमने अपने लेआउट्स और राउट्स क्रिएट किए ठीक है अब हम देखते हैं गाइस कि इस लोकल होस्ट सेटअप पे हम अपने CSS फाइल और JS फाइल को अटैच कैसे करें तो चलिए ये रही वो सेटअप ओके तो मैं इसके welcome.blade.php को ओपन कर लूंगा साथ ही साथ इसमें भी वही CSS अप्लाइड है तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं पहले मैं पब्लिक फोल्डर के अंदर css फोल्डर के अंदर एक बना दूं लाइक layout.css ओके और js फोल्डर के अंदर एक बना दूं मैं लाइक layout.js ओके अब मैं css को कट कर लूंगा मैंने कट कर लिया यहां से ओके इसे मैं रिमूव कर दूंगा और इसे मैं layout.css फाइल में पेस्ट कर दूंगा ओके और js फाइल में भी कुछ लिख दूं लाइक दिस इज माय सिंपल मैसेज टू कंसोल ओके कंसोल लॉग ये हमें सिंपल मैसेजेस के अंदर इंप्लीमेंट कर दी हुई है ओके अब मैं लिंक क्रिएट करूंगा लाइक लिंक और src के भी दे देते हैं स्क्रिप्ट टैग के लिए ठीक है ये रिलेशन इक्वल टू स्टाइल सीट एंड href इक्वल टू css layout.css ओके ये हमारे css फाइल का अटैचमेंट हो गई और मैं इसके अंदर अब क्रिएट कर दूं लाइक js फोल्डर के अंदर slash layout.js
ओके तो इस तरीके से गाइज हमने अपनी जेएस फाइल और अपनी सीएसएस फाइल को क्रिएट करके लिंक क्रिएट कर दी हुई है। ठीक है, अगर मैं अपने ब्राउजर में जाके अगर इसे रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हो कि अब वो सीएसएस हट चुकी है हमारे फाइल से। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल यू प्रेस करूँ व्यू पेज सोर्स करने के लिए तो आप देख सकते हो हमने वो लिंक तो क्रिएट की है लेकिन ये सीएसएस फाइल इसने पिक नहीं की। तो जस्ट इस पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ये हमें एक एरर प्रोवाइड कर रहा है। ओके तो हम अब अपने सीएसएस फाइल को कैसे फिक्स करें। अगर मैं जेएस फाइल को क्रिएट करूँ तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। ठीक है, तो हम इसे कैसे फिक्स करें, तो सिंपल तरीके हैं गाइस इसे फिक्स करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने सेटअप फाइल पे जाऊंगा और यहाँ जो आपने ये क्रिएट किया हुआ जहाँ सीएसएस फाइल के लिंक दी है यहाँ हम एक यूआरएल क्रिएट करेंगे इस फाइल के लिए, लाइक सीएसएस फाइल के लिए, और वो यूआरएल हमारे पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर है। ओके, जैसे कि हमने जो सीएसएस फाइल बनाई हुई है वो हमारी पब्लिक फोल्डर के अंदर है, पब्लिक फोल्डर के अंदर, सीएसएस फोल्डर के अंदर। तो हम जो पाथ क्रिएट करेंगे डायनेमिक तरीके से वो पाथ अब हमें पब्लिक से लेके सीएसएस फाइल में लेआउट फाइल तक लेके जाएगी। ओके तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो पहले इसे हम रिमूव कर दें यहाँ से, उसके बाद मैं प्लेस होल्डर यूज़ करूँगा लेरावेल की और मैं यूआरएल क्लास की मैथड टू को यूज़ करूँगा। ठीक है, जो कि यूआरएल क्रिएट करेगा। ओके मीन्स यूआरएल एक क्लास है जिसके अंदर टू मैथड जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। ओके स्लैश, उसके बाद मैं बाहर जाऊंगा, अगर मैं यही वैसे सेव कर दूं और वापस से जब इसे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो इसने पाथ अब कहां का दिया हुआ है, लोकल होस्ट फ्रेमवर्क LBG। ओके और इसने पहले का कहां दिया हुआ था, अगर मैं पहले का आपको दिखाऊं तो इसे जस्ट रिमूव करते हैं यहां से, हम सेव करते हैं और इसे मैं अगर एक नए पेज में खोल लूं तो आप देख सकते हो इसने जो पाथ दिया वो css_layout.css फाइल है। ओके और जो ये नई वाले पाथ है ये हमें बिल्कुल अपने एप्लीकेशन के पाथ प्रोवाइड कर रही है, तो चलिए इसी में अटैच करते हैं। ठीक है स्लैश, अब हमें जो जाना है एप्लीकेशन के अंदर पब्लिक फोल्डर के अंदर, मीन्स पब्लिक के अंदर अब हमें जाना है अपने css के अंदर और layout.css। ओके अब हम सेव करते हैं इसे और रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो इसने अब वो सीएसएस फाइल को अटैच कर ली है। ओके अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं और मैं क्लिक करूं आप देख सकते हो यही वो सीएसएस फाइल है जो कि हमने अलग की हुई है। ओके तो मेरे कहने का मतलब है गाइस जब आप एप्लीकेशन सर्वर क्रिएट करके मीन्स PHP आर्टिशन सर्व करके आपने अगर एप्लीकेशन रन की हुई है तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है इस URL को पास करने की। ओके लेकिन आपने आपने अगर लोकल होस्ट से मीन्स रन किया हुआ एप्लीकेशन को तो आपको ये URL क्लास को यूज़ करके इस टू मेथड को यूज़ करके आपको वो पाथ को क्रिएट करना होगा। ओके तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के साथ मैं इसे यहाँ पेस्ट कर दूँगा /public। ओके तो इस तरीके से हम जेएस फाइल को भी लिंक कर सकते हैं। अगर मैं इसे भी चेक करूं इंस्पेक्ट कंसोल और मैं अगर इसे रिफ्रेश करूं आप देख सकते हो हमारी जेएस फाइल भी अटैच हो चुकी है। ओके तो ये सिंपल वेज थे गाइस जिसके हेल्प से आप अपने एसेट्स फाइल को अटैच कर सकते हो। ओके अगर हमें सपोज कोई इमेज भी अटैच करना पड़ जाए तो हम इमेज को भी वैसे ही अटैच करेंगे कि अगर हमें PHP आर्टिशन सर्व यूज़ किया हुआ है तो हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने इमेज टैग को अटैच करें। ओके जस्ट हमें एक फोल्डर बनाना है, यहाँ पर फोल्डर बनाने के साथ उसमें एक फाइल रखनी है और उस फाइल को अटैच करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इमेज को कैसे अटैच करें। ओके सबसे पहले मैं जो फोल्डर में हूँ वो LBG फोल्डर है। ओके LBG डायरेक्टरी के अंदर सबसे पहले मैं एक फोल्डर बनाऊँगा लाइक इमेजेस के नाम से। ओके इसके अंदर मैंने एक इमेज कॉपी की हुई है उसे मैं पेस्ट कर दूंगा। अच्छा वो इमेज अभी नहीं है तो मैं वापस से अपने फोल्डर में जाऊंगा और पिक्चर्स के अंदर से मैं एक पिक्चर उठाऊंगा लाइक .jpg। अपने एप्लीकेशन के अंदर लाइक LPG फोल्डर के अंदर मैं जाऊंगा अपने पब्लिक फोल्डर के अंदर इमेजेस फोल्डर के अंदर और इसमें पेस्ट कर दूंगा।
ओके तो वो ये इमेज है जो कि मैंने प्लेस की इमेजेस फोल्डर के अंदर। अब हम इसे अपने वेब पेज में शो करना चाहते हैं ओके लाइक इसी लेआउट फाइल पे मीन्स वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी पे। तो चलिए शो करते हैं। तो आई एम जी एस आर सी एंड वी जस्ट नीड टू कॉपी दिस थिंग्स यू आर एल और स्लैश पब्लिक स्लैश इमेजेस एंड टू डॉट जे पी जी। ओके मैं इसकी हाइट वगैरह फिक्स कर दूँ लाइक स्टाइल 200 पिक्सल एंड विड्थ लाइक 200 पिक्सल। ओके मैं इसे सेव कर दूंगा और मैं वापस इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। तो आप देख सकते हो वो इमेज फाइल हमने अटैच कर ली हुई है अपने एप्लीकेशन के साथ। ओके तो ये गाइस वो फोल्डर है जो कि हमने लोकल होस्ट से रन की है। इसी वजह से हमने अपने एप्लीकेशन के अंदर URL टू मैथड पास किया हुआ। ठीक है अब मैं इसे अपने PHP आर्टिशन के साथ अगर मैं कनेक्ट करता हूँ इस एप्लीकेशन को तो मुझे क्या करना होगा, बस उस इमेज को हमें इस फाइल में जब अटैच करनी होगी तो हमें कोई जरूरत नहीं कि हमें URL टू पास करें, बस इमेजेस फोल्डर का नाम और साथ में इमेज का नाम चल पड़ेगी फिर। ओके तो आई थिंक गाइज मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा कि आपने एसेट्स फाइल को कैसे क्रिएट करोगे, कैसे अटैच करोगे अपने फाइल के साथ। अगर आप PHP आर्टिशन सर्व यूज़ कर रहे हो या विदाउट आर्टिशन सर्व मीन्स लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है मीन्स हमने दोनों कंडीशनों के बारे में डिस्कशन कर ली हुई है। साथ ही साथ मैं बताऊंगा गाइस कि जैसे कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में एक हम अपने HTML टेम्पलेट को कन्वर्ट करेंगे लैरावेल टेम्पलेट में। ओके तो आपको मैं बता दूं कि आपको कौन से टेम्पलेट डाउनलोड करने हैं अगली वीडियो सेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको ये URL खोलना है लाइक freecss.com freecss टेम्पलेट। अगर आपको ये लिंक नहीं खोलना मीन्स आपको याद ना हो तो जस्ट आपको लिखना है freecss टेम्पलेट। ओके freecss टेम्पलेट्स जब आप इसे खोलोगे तो आपको जो पहला लिंक दिखेगा सेकंड लिंक जो यहाँ पर है freecss.com उसे खोलना है। freecss.com जैसे ही आप खोलोगे तो आपको ये लिंक मिलेगा। ओके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ये लिंक। उसके अंदर आपको जो टेम्पलेट डाउनलोड करनी है वो है वन पेज। ओके जहाँ इस पर क्लिक करते हो तो ये आपको डाउनलोड पेज पर ले जाएगी और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके डाउनलोड तो इसी मीन्स टेम्पलेट के ऊपर हम अपने अगली वीडियो पे काम करेंगे और इसी टेम्पलेट को हम कन्वर्ट करेंगे अपने लैरावेल के टेम्पलेट के अकॉर्डिंग। ओके सो गाइस इफ यू हैव एनी क्वेरी इन दिस वीडियो सेशन प्लीज ड्रॉप योर कमेंट आई विल गिव माय रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे।